यस yes, नमस्कार गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का बिल्कुल हमारी चल रही है स्पीड बूस्टर सीरीज जिसमें हर दिन हम कोई एक टॉपिक को पकड़ते हैं और उस टॉपिक की एक दुखती हुई नस को लेते हैं और उससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं हाल ही में लेटेस्ट में जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे सवाल हम करते हैं और इसी कड़ी में आज आपको हम चलाना सिखाएंगे ट्रेन ठीक है तो आदमी खंबा सुरंग इस प्रकार की कोई भी चीज हो उसको कैसे पार करना है अगर दो दो ट्रेन एक साथ चलें तो कैसे उनको आपको चलाना है तो आज आपको ट्रेन चलाना सिखाएंगे तो क्या आप तैयार हैं सभी बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग सभी का स्वागत जल्दी से सेशन को लाइक ठोके और जाके फटाफट व्हाट्सएप पर और अपने सभी जगह स्टेटस में डाल के अपने दोस्तों यारों को बुला कर लाओ जल्दी से शेयर करो सबको लेकर आओ है ना और फिर ही ट्रेन चलेगी जब तक सवारी नहीं आएगी ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी ठीक है तो जल्दी से सवारियों को खींच खींच के लाओ बिठाओ <coughs> फिर आपको जो है विदाउट टिकट आज लेकर चलेंगे बिल्कुल सब लोग बढ़िया हो एकदम मस्त बिहार वाले छात्र का वीडियो हाँ उसका वीडियो कल डल जाएगा कल हम पूरी कोशिश करते हैं उसका वीडियो आपको YouTube पर देने की और आज हमारे एक और बहुत ही प्यारे विद्यार्थी ने जो उत्तराखंड से है राजेश पाठक उसका मैंने एक वीडियो आ, टेलीग्राम पर सॉरी इंस्टाग्राम पर डाला है वो वीडियो आप लोग जरूर देखना है ना उसने विनर्स के बारे में बहुत ही अनोखे अंदाज में आ, बताया है तो वो वीडियो आप सभी को जरूर देखना चाहिए है ना वो भी कोशिश करेंगे कल यूट्यूब पर डालने की हम्म अरे ट्रेन चलाने वाले को ड्राइवर नहीं बोलते हैं पायलट बोलते हैं लेकिन तुम्हें हेवी ड्राइवर बना देंगे ठीक है ओके ओके अमर्श मोस्ट वेलकम राहुल फ्रॉम यूएसए चलो भैया अमेरिका वाले लोग भी आ गए हैं ग्रुप डी के तैयारी करने के लिए है ना ठीक है हाँ जी जो अपनी क्लास है ये हर एग्जाम के लिए काम की है चाहे रेलवे हो एसएससी हो बैंक हो पुलिस हो है ना और आज तो आपने देखा ही है आज एसएससी ने धमाका कर दिया एग्जाम कैलेंडर निकाल दिया है, तो अब आपको ये दिक्कत नहीं कि अब आपकी परीक्षा कब होनी है देखो एसएससी इस समय एकदम लाइन पे चल रहा है बैंकिंग लाइन पर है रेलवे फुल फॉर्म में है है ना और मध्य प्रदेश में भी जो है कहीं ना कहीं वैकेंसीज की प्रिपरेशन इंटरनली चल रही है और बाकी राज्यों के भी यही हाल है तो इस समय जैसे आपको पता ही है उत्तर प्रदेश में चालीस हजार के आसपास जो है पुलिस की वैकेंसी आने वाली है तो हर राज्य अपने अपने लेवल पे कुछ ना कुछ धमाका कर रहा है है ना अब बच्चे इसका कितना फायदा उठा सकते हैं ये अब आपके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है ठीक है चलिए भैया तो आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं ट्रेन चलाना आपको सिखाते हैं है ना और आपको हेवी ड्राइवर बनाते हैं आज आपकी ट्रेन को पटरी पर लाते हैं ठीक है तो

तो आइए ये रहा आज का आपका पहला सवाल आपके मोबाइल स्क्रीन पर दस हजार रुपए का जिसमें आपको मिलेगा कुछ भी नहीं ठीक है बैठ गए ट्रेन में बढ़ाए अब आगे <laughs> चेन मत खींचना कोई बीच में है ना देखो सौ मीटर लंबी ट्रेन किसी रेलगाड़ी की चाल आ, यदि 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी रेलगाड़ी की चाल एक किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह रेलगाड़ी बिजली के खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी कुल मिला के यहां पे पायलट बोलना चाह रहे हैं कि ट्रेन की रफ्तार है 144 किलोमीटर पर आर और वो जो है 100 मीटर लंबी है ठीक है तो कितने समय में एक खंबे को पार कर जाएगी ठीक है जी आंसर आना शुरू ओके सेशन को लाइक करो यार लाइक की संख्या जल्दी से हजारों में करो और बाकी दोस्तों यारों को भी जल्दी से बुला कर लाओ है ना आ जाओ थोड़ा सा मैं आपको बेसिक इसका जरूर बताना चाहूंगा अगर आपकी इच्छा है तो अगर कभी भी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो उसको हमेशा पांच बटे अठारह से गुणा करते हैं सो so देट वो मीटर पर सेकेंड में बदल जाए और जस्ट इसका उल्टा अगर मीटर पर सेकेंड दिया है उसको अठारह बटे पांच से गुणा करोगे सो इट विल कन्वर्ट बैक टू किलोमीटर पर आर तो ये पहले तो ये दो छोटे से नियम याद रखना आप है ना दूसरी बात आपको एक सिंगल यूनिवर्सल रूल में आपको बता रहा हूं ट्रेन का किसी भी प्रकार का प्रश्न आ जाए एक नियम से आप हर प्रकार का प्रश्न कर सकते हो जो पहली बार पढ़ रहे हैं इतना मैं गारंटी आपको कर रहा हूं पहली बार आप पढ़ रहे हो लेकिन आज आप इतना सीख जाओगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपने पहली बार पढ़ा है है ना एक तीर से मैं आपको दस दस निशाने लगाना सिखाऊंगा तो बात बड़ी आसान है जो भी आपको लंबाई दी रहे वो आप लेते हैं उसमें हमेशा भाग आप उनके समय का या चाल का भाग देंगे तो आपको समय मिलेगा समय का भाग देंगे तो चाल मिलेगा लंबाई मतलब लेंथ स्पीड और ये आगे, आगे आपका टाइम हमेशा आप इसको यूज करिए और ट्रेन का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपसे डेफिनेटली बनेगा है ना देखो अब लंबाई का मतलब क्या है अब आप बोलोगे सर खंबे पर चढ़ गया खंबे की लंबाई कहां से लाए तो यार खंबे पर ट्रेन नहीं चली है खंबे चढ़ी नहीं है खंबे के पास से गुजरी है तो जब भी ऐसी चीज जिसके पास से ट्रेन गुजरे जैसे क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं अगर ट्रेन किसी आदमी के पाज, बाजू से गुजरे आदमी के ऊपर थोड़ी चढ़ेगी ट्रेन आदमी के बाजू से ही निकलेगी ना तो आदमी को पार कर जाए किसी खंभे को पार कर जाए है ना किसी सिग्नल पोल को पार कर जाए तो ऐसी हर चीज को पार करने में उनकी कोई लंबाई नहीं होती क्योंकि इनकी होती है ऊंचाई जबकि हमें तो लंबाई चाहिए और इनकी लंबाई होती है जीरो तो जिसका कोई नहीं उसका होता है ट्रेन है ना तो जब भी किसी की लंबाई आपको न दी रहे उसके लिए आप हमेशा ट्रेन की लंबाई का प्रयोग करना मैं सारे फंडे सारे टाइप सिखा दूंगा आप बस आए हो अंत तक टिके रहना आप बहुत अच्छे से सीख कर जाओगे और नई नई चीजें आपको आज पता चलेंगी है ना तो देखो भैया

तो ये हो गया आपका सौ गुणा अठारह ये अठारह ऊपर चला जाएगा ना तो आपके पास बचेगा वन फोर्टी फोर इंटू पांच है ना अब यहां पे आप अठारह से इसको कैंसिल कर सकते हो आठ बार ये हो गया आठ पंजे चालीस यानी सौ बटे चालीस हंड्रेड बाय फोर्टी और सौ में अगर किसी सज्जन ने चालीस का भाग दे दिया तो उसे दो दशमलव पांच सेकेंड का समय लगेगा बस यही आपके प्रश्न का आंसर है ए वाला जो कि हमारे बहुत सारे नन्ने मुन्ने बच्चों ने विद्यार्थियों ने पहले ही दे दिया था पहला सवाल था आसान था लेकिन आंसर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था जो बेसिक बातें मैंने आपको बताई है वो आपके लिए समझना जरूरी है क्या आपको बात समझ में आई जो मैं बेसिक समझाना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हो आप जिसका कोई नहीं उसका भगवान और जिसकी कोई लंबाई नहीं उसके लिए ट्रेन सिंपल है याद रखने में एकदम ओके क्लियर है बात सभी को चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखिए भैया एक रेलगाड़ी एक खंबे को पंद्रह सेकंड में पार करती है यदि रेलगाड़ी की चाल छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटे है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है आपको मैंने बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताया है लंबाई बटे में चाल बराबर समय मैं आपको पूरा चैप्टर बस इस एक फॉर्मूले से करके दिखाऊंगा आप बस इतना सा दिमाग में चिपका लो लंबाई जो दी रहे चाल भाग दे दो समय मिलेगा समय का भाग दे दो चाल मिलेगा सिंपल सा रूल है और ये चाल बराबर दूरी बटे समय से ही ये वाला अपना फॉर्मूला निकल के आया है ओके भाई चलो तो यहां पे हमें लंबाई तो पता नहीं है तो हमें चाल का और समय का गुणा करना पड़ेगा तो यहां पे चाल कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो और समय कितना दिया है 15 सेकंड दिया है तो 15 से ही गुणा कर दो भैया समय तो सेकंड में है ना जो चाल है बस उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 18 से कैंसिल होगा दो बार पांच का दुगना दस दस का गुणा हुआ तो जो ट्रेन यहां पर चल रही है उसकी लंबाई 150 मीटर है सी आपके प्रश्न का आंसर है किसी भी सज्जन को किसी भी देवी देवता को कोई दिक्कत हो तो बताए है ना कोई भी पापा की परी या मम्मी का हेलीकॉप्टर जो उड़ नहीं पा रहा हो तो बोलो 150 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्लियर है वही बात चलिए आगे बढ़ जाएं बहुत अच्छे से आप स्पीड में जा रहे हो स्पीड को बरकरार रखिए लाइक की बटन दबाते रहिए एक ही बार दबाना है मतलब बार बार मत दबाना और अपने दोस्तों यारों को बुलाते रहिए और कॉपी पेस्ट करने वाले ईमानदारी से अपना काम करिए सिर्फ कॉपी पेस्ट पे ध्यान लगाओ तुम लोग कुछ भी हो जाए बिल्कुल सुधरना मत मतलब बिगड़ना मत है ना कॉपी पेस्ट करते रहो है ना यहां एक घंटे करो फिर कोई मिल जाए वहां करो इसको और अच्छा करो और इम्प्रूव करो बहुत जरूरी ऐसे लोगों की अपने देश में बहुत जरूरत है कंपटीशन कैसे कम होगा ऐसे कम होगा ठीक है हलवा था अभी रुको जरा अभी हलवा गरम हो रहा है साइड में रखा है अभी आएगा आज नहीं उड़ पाओगे ना तो तुम्हें ट्रेन में पैराशूट बांध के उड़ाएंगे हम्म चलिए 1250 आंसर देने लगे हैं कई सारे लोग एक ट्रेन 25 सेकंड में एक सिग्नल पोस्ट को पार करती है 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है उस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है देखिए जिनको इसका बेसिक पता होगा वो तो ऐसे उड़ाएंगे कि पांच सेकंड का अंतर है पांच का भाग देना था 50 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है 25 पंजे 125 सौ पच्चीस एक ये सही आंसर है लेकिन मैं आपको बेस समझाता हूं इसका कि ऐसा क्यों करेंगे है ना सुनिएगा देखो यहां क्या बोल रहे हैं एक खंबे को सिग्नल पोस्ट को तो सिग्नल का एक खंभा है जिसको पार करने में इसे लगे हैं 25 सेकंड, सेकेंड हा या ना और एक प्लेटफॉर्म है ठीक है एक प्लेटफॉर्म है जिसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा इसको पार करने में ट्रेन को लगे 30 सेकंड, बात समझ में आ रही है आपको मेरी है ना अब एक बात समझना किसी भी ऐसी चीज को पार करना सिग्नल खंबा आदमी यानी यहां पे ट्रेन की स्वयं की लंबाई लेते हैं और अब दूसरी बात सुन लो ऐसी किसी चीज को पार करना जिसकी अपनी खुद की लंबाई होती है उसके लिए हम ट्रेन की लंबाई को जरूर लेते हैं आपने भले एक प्लेटफॉर्म को पार करा देखो प्लेटफॉर्म को पार करना किसी सुरंग टनल को पार करना किसी पुल ब्रिज को पार करना खूब पार करो लेकिन ट्रेन की लंबाई जरूर लेना इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो कुछ भी हो जाए ट्रेन की लंबाई तो लेना ही लेना है तो आप भले प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं लेकिन ट्रेन की लंबाई वहां पे जरूर आएगी तो ट्रेन जब स्वयं को पार कर रही थी तो 25 सेकंड लेकिन ये प्लेटफॉर्म आया तो कितने लग गए 30 सेकंड यानी आप बोलोगे कि सर पांच सेकंड हमारे बढ़ गए इस प्लेटफॉर्म के कारण जो दो मीटर लंबा है इस प्लेटफॉर्म के कारण पांच सेकेंड बढ़े पांच सेकेंड का अंतर आया दो के कारण पांच से कैंसिल करेंगे आप मीटर बटे सेकेंड तो यह आएगा आपका पचास मीटर प्रति सेकेंड यह आ गई ट्रेन की रफ्तार ट्रेन की चाल और इस चाल से आपको अगर सिर्फ ट्रेन की लंबाई निक, निकालनी है तो 25 का गुणा कर दीजिए उस ट्रेन की लंबाई 1250 मीटर है यह आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा बोलिए कोई दिक्कत परेशानी ठीक है भैया पापा का मगरमच्छ भी आ गया है कोई यस बात समझ में आई पांच सेकंड 250 मीटर के कारण 250 मीटर बढ़ रहे हैं पांच सेकंड का डिफरेंस आ रहा है पांच से भाग दिया उसकी चाल आ गई पचास मीटर प्रति सेकेंड पचास मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अगर उसको पच्चीस सेकेंड तक चलाया जाएगा तो उसकी लंबाई उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी बारह अगर आपने 30 में गुणा कर दिया तो वो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी जो कि 1500 आएगी 1500 में से प्लेटफॉर्म 250 घटाओगे तो ट्रेन की लंबाई आपको मिल जाएगी ओके है चलिए अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर फोर इस प्रश्न के बाद अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेना है ना और खिड़की दरवाजे खोल देना अपने घरों के फिर निकलेगा धुआं अरे कॉपी पेस्ट करने वाले कहां चलेगा यार बुरा मान गए क्या ऐसा कैसे चलेगा अगर लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो जिसका कोई नहीं उसका विनर्स इंस्टीट्यूट बिल्कुल अखिलेश कुमार ने बहुत प्यारी लाइन बोली है हाँ रंजन कुमार ये हुई ना बात करो 200 बार कॉपी पेस्ट करके दिखाओ बाकी लोगों को प्रश्न पढ़ने दो सीखने दो तुम कॉपी पेस्ट करके दिखाओ ठीक है वेरी गुड चलो आ जाओ 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी पटरी के बगल में खड़े एक आदमी को 6 सेकंड में पार कर जाती है 120 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार करेगी है ना पहले किसी एक चीज को पार करा बाद में उसको किसी दूसरी चीज को पार करना है तो सुनिएगा मेरी बात देखो एक आदमी को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं किसी भी ऐसी चीज को पार करना जो कॉन्स्टेंट है आदमी को पार करना आदमी की लंबाई नहीं होती है ऊंचाई होती है और ऊंचाई अपने किसी काम की नहीं है है ना तो आदमी को पार करना मतलब ट्रेन स्वयं को पार करेगी तो 180 मीटर उसने पार करा 6 सेकंड में मतलब ट्रेन की चाल है 30 मीटर प्रति सेकंड, है ना अब यही ट्रेन 120 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी तो मैं आपको एक स्टेप में आंसर लाना सिखाता हूं 180 मीटर लंबी ट्रेन 6 सेकंड में स्वयं को पार करती है तो 120 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा और मैं फिर बोल रहा हूं आखिरी बार आपको समझा रहा हूं कुछ भी पार करो ट्रेन की लंबाई जरूर लेना है ना तो चाहे आप पुल को पार करो प्लेटफॉर्म को पार करो भले किसी भी चीज को पार करो लेकिन उसके साथ ट्रेन की लंबाई अवश्य लेनी है है ना तो 120 मीटर लंबा पुल है लेकिन ट्रेन की लंबाई जरूर आएगी क्योंकि उतने समय में तय की गई जो कुल लंबाई होगी वो इतनी होगी इसलिए ट्रेन और आपका ब्रिज दोनों की लंबाई जुड़ती है है ना बस अब इसको सॉल्व कर लो एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा ये हो गया आपका तीन बटे एक्स एक्स इधर गया तीस से कट गया तो यहां पर भैया आपका आंसर क्या है दस सेकेंड टेन सेकेंड इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए किसी को समझ में ना आया हो तो बोले और छोटी सी आदत बनाओ टाइम पे आना सीखो है ना क्योंकि शुरुआत में बेसिक निकल जाता है ना फिर समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है रोज रात साढ़े आठ बजे आओ नियम से और मस्त तरीके से सीख कर जाओ ठीक है हाँ अरे समझ गए भाई कोनु दिक्कत परेशानी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी है ना क्लास खत्म होते ही टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना ओके okay, डन चलो आगे बढ़े अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव थोड़ा ध्यान से पढ़ना जल्दबाजी नहीं करना मजा आएगा आपको इसमें हाँ। रंजन अभी पचास बार कॉपी पेस्ट हुआ है तुमको दो सौ बार का बोला था चलने तो अभी काम अच्छे से यस चलिए पढ़ लिया क्वेश्चन सभी ने आपसे कहा है 320 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को 16 सेकंड में पार करती है 18 मिनट के प्रत्येक अंतराल के लिए पांच बार रुकती है 576 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय लगेगा अगर दूरी तय करना है समय बताना है तो आपको चाल पता होना जरूरी है क्या आपको यह बात समझ में आई ठीक है सुनो मेरी बात आपसे कहा है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन है जो 16 सेकंड में एक खंबे को पार करती है मतलब आपको पता चल गया कि उसकी चाल है 20 मीटर प्रति सेकंड है ना 20 मीटर पर सेकंड ट्रेन की चाल है क्योंकि हमें किलोमीटर में दूरी दी है और समय घंटे में दिया है तो इस बार चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 20 मीटर पर सेकंड को अगर 18 बटे पांच से गुणा किया जाए तो आपको 72 किलोमीटर पर आर ये मिलेगा है ना तो जो आपको 20 मीटर पर सेकेंड दिख रहा है वही बहत्तर किलोमीटर एक घंटे में चलेगा एक ही बात है अब पांच किलोमीटर जाना है बहत्तर की चाल से तो क्या यह बहत्तर से कट सकता है इकाई अंक को देखकर तो आठ लग रहा है आठ दुनी सोलह छप्पन यस आठ घंटे का समय तो ये लगेगा लेकिन प्रश्न में एक बात बोली है कि 18 मिनट के अंतराल के लिए पांच बार रुकती है है ना यानी इस पूरी यात्रा में पांच बार रुकती है और हर बार 18 मिनट का स्टॉप देते हैं तो आप ऐसे समझिए कि 18 बार पांच पांच मिनट का स्टॉप दिया जो अपने आप में 90 मिनट होता है और 90 मिनट का मतलब क्या होता है डेढ़ घंटा है ना तो कुल मिलाकर साढ़े नौ घंटे की यात्रा तय की गई जिसको दूसरे शब्दों में नौ सही एक बटे दो भी बोल सकते हैं सी आपके प्रश्न का एकदम परफेक्ट वाला जवाब होगा किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ है ना और आपको सबसे ज्यादा टेंशन यही पड़ के हुआ होगा कि यह क्या है जबकि उसमें कोई दम नहीं था। है ना फिर से मैं समझा रहा हूं 320 मीटर का खंबा खंबा तो फिर होगा नहीं 320 मीटर लंबी ट्रेन है जिसने खंबे को पार किया कितने सेकंड में सोलह सेकेंड में तीन सौ बीस में, में सोलह का भाग दिया उसकी चाल आ गई बीस मीटर प्रति सेकेंड पर समस्या ये है कि प्रश्न किलोमीटर में है ऑप्शन घंटे में है तो चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बताएंगे तो बीस अठारह पांच ये आ गया बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे पांच किलोमीटर बहत्तर की स्पीड से जाएंगे तो आठ घंटे का समय लगना चाहिए लेकिन ट्रेन पांच बार रुकती है अठारह अठारह मिनट के लिए नब्बे मिनट उसने स्टॉप दिया नब्बे मिनट का मतलब हुआ डेढ़ घंटा है ना नब्बे मिनट यानी डेढ़ घंटा तो टोटल ट्रेन ने जो दूरी तय करी वो साढ़े नौ घंटे में या नाइन वन बाई टू आवर्स में तय करी है बताइए किसी सज्जन को कोई दिक्कत परेशानी हम्म बात समझ आ रही है हम्म इसी बात पे लाइक के बटन का प्रयोग करें देखो आपको एक चीज मैं बता दूं कि कल क्या पढ़ने वाले हैं जो कि आपको मैं रोज एक दिन पहले बता देता हूं तो कल हम लोग पढ़ेंगे घातांक करनी है ना जो इस प्रकार के सवाल होते हैं ना कि आठ की घात माइनस तीन फिर आ, एक बटे कुछ भी ले लो चौसठ की घात दो और इस प्रकार के जो घातांक करनी वाले सवाल होते हैं रूट ट्वेंटी रूट टू सेवन रूट एट तो इनको घातांक करनी बोलते हैं तो अगर आपको यह सीखने का मन है तो कल रात साढ़े आठ बजे आपका स्वागत है आप इस क्लास में आ सकते हैं है ना दूसरा आप सभी को पता होगा कि इस बार हम बहुत दिनों बाद ऑफलाइन क्लास का सीधा प्रसारण यूट्यूब पर करने वाले हैं संडे तो आपको पता है मैं हर संडे स्पेशल क्लासेस लेता हूं ऑफलाइन में तो मैं इस बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाने वाला था एकदम जीरो लेवल से तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूट्यूब पर भी दे दिया जाए तो इस बार ऑफलाइन क्लास से सीधा प्रसारण प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का रहेगा एकदम जीरो लेवल से इस रविवार सुबह नौ बजे नौ बजे स्पेशल सेशन है आप सभी इसमें हार्दिक हार्दिक आपका स्वागत है और एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बता दूं कि अगर आप विनर्स की मेरी बुक लेना चाहते हो मैथ्स की तो अभी तेरह जुलाई तक इसका प्राइस बहुत कम है प्राइस बेसिस शुरुआत से कम था लेकिन अब प्राइस बढ़ने वाला है चौदह जुलाई से कीमत इसकी तीन सौ निन्यानवे हो जाएगी तो अगर आप चाहते हैं कि घर बैठे बुक बुलाना है फ्लिपकार्ट अमेजन से तो आप बुला सकते हो एक बार दोनों जगह प्राइस और कंपेयर कर लेना है ना तो कुछ ही दिन बचे आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं है ना ये फ्लिपकार्ट है ये अमेजॉन है बाकी हाँ भाई विनर्स का अनाउंसमेंट कब होगा तो 10 जुलाई को हम रात आठ बजे मिलेंगे और लकी ड्रॉ निकालेंगे जिसमें बहुत सारे गिफ्ट्स मैं आपको बांटने वाला हूं तो आप लोग पधार जाइएगा मैं बहुत पहले अनाउंस कर चुका था कि क्या क्या चीजें मिलनी है बहुत लंबी लिस्ट है गिफ्ट की फ्री कोर्सेज पावर बैंक मोबाइल हेडफोन इयरफोन ईयरबड्स बहुत सारी चीजें जो आपके काम की है तो उनको हम अनाउंस करेंगे और घर बैठे अगर आपको व्यापम एमपीएसआई पटवारी वन रक्षक एस बैंक एमपीपीएससी की तैयारी करनी है तो विनर्स ऐप आप में आपका स्वागत है या विनर्स ऑफलाइन सेंटर पर भी आपका स्वागत है चलिए सवाल नंबर छठवा इसको पढ़ लेते हैं एक बार बताइए इसका आंसर क्या आएगा हाँ ठीक <laughs> है नहीं विवेक अफवाह है ये <laughs> देखो 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबी एक सुरंग को बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए कितने समय में पार कर जाएगी है ना बात जरा समझना यहां पे कवि क्या कहना चाहते हैं 700 मीटर तो लंबी ट्रेन है और 500 मीटर एक लंबी सुरंग है और इसको हमें बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पार करना है तो कितना समय लगेगा तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि कुछ भी पार करो उसकी लंबाई तो लोगे लेकिन ट्रेन को जरूर लेना है और यह चैप्टर क्योंकि बाय डिफॉल्ट मीटर पर सेकंड होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा बहत्तर को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा अठारह इंटू चार यह हो गया भैया आपका 1200 मीटर और 1200 मीटर को पांच इंटू चार बीस से भाग दे दोगे तो यह आपका आ जाना चाहिए साठ सेकेंड शायद यही आप सभी का आंसर आ रहा होगा सिक्सटी सेकेंड्स एनी दिक्कत परेशानी एनी प्रकार की समस्या यस सिक्सटी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सही है चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको सिखाते हैं दो ट्रेन चलाना ठीक है अब आपको बनाएंगे गोलमाल वाला अजय देवगन जो एक बार में दो दो कार पर दो दो बाइक पर खड़े हो जाता है है ना तो अब आपको दो ट्रेन पे खड़ा होना सिखाते हैं पढ़ो पहले सवाल को फिर बेसिक बताता हूं हाँ। नो समस्या अठारह बटे पांच पांच बटे अठारह कहां से आया बहुत लंबी कहानी है किसी दिन फुर्सत में सुनाएंगे देखो अड़सठ किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली पचास मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 75 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा मैं आपको देखो मैंने बेसिक क्या बताया कि लंबाई को हमेशा स्पीड से भाग देते हैं तो टाइम आता है लेकिन अब जब आप मान लीजिए कि दो ट्रेन होंगी तो या तो वो समान दिशा सेम डायरेक्शन में चलेंगी या फिर वो दोनों विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी बोलो हा या ना है ना तो जब दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाए या विपरीत दिशा में जाए तो क्या करना है वो सुनो देखो अगर दो ट्रेन है तो लंबाई दो दो हो जाएगी तो लंबाई हमेशा जुड़ेगी है ना चाहे समान हो या विपरीत हो बराबर में समय आना ही आना है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहां पे मैंने आपको समय दूरी जब पढ़ाया था तो आपको मैंने रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल का कंसेप्ट बताया था अगर दो चीजें समान समय पर चल रही हैं तो समान दिशा में उनकी चाल हमेशा घटती है और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती है क्या आपको बात समझ आ रही है क्या मेरी है ना समान दिशा में चाल घटती है विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है और लंबाई तो कोई भी दिशा हो जुड़ेगी तो अगर दो दो ट्रेन चलेंगी देखो इसको देख के डरना मत मैं आपको बोल रहा हूं बात यही है इसी को मैंने आपको आसान बनाने के लिए इसे लिख के दिखा दिया लेकिन इससे डरना मत लंबाई में चाल का भाग दोगे समय मिल जाएगा दो ट्रेन है तो दोनों की लंबाई दोनों की चाल और पार करने में समय पर समान दिशा में चाल हमेशा घटेगी और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगी है ना बात बड़ी सिंपल है तो पहले सबसे पहले प्रश्न में देखा करो कि दिशा कौन सी है, है ना चाल से चलने वाली ट्रेन एक रेलगाड़ी को उसी दिशा में उसी दिशा में मतलब भैया समान दिशा की बात चल रही है।, है ना तो एक ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है दूसरी ट्रेन की लंबाई 75 मीटर है प्रश्न में लिखा है देखो एक की 50 एक की 75 एक की चाल अड़सठ एक की चाल 50 तो एस वन माइनस एस टू एक चाल है अड़सठ एक की चाल है 50 और इसको बाद में पांच बटे अठारह से गुणा कर देंगे तो अपने को मिल जाएगा कि इन्हें पार करने में कितना समय लगेगा क्या आप प्रश्न की भावनाओं को समझ पा रहे हो जल्दी से बोलो हम्म क्या आप प्रश्न की भावनाएं समझ पाए 50 प्लस पिछहत्तर समान दिशा में चाल घटेगी और पांच बटे अठारह से गुणा तो करना ही है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 125। ये हो जाएगा आपका 18 गुणा पांच बटे अठारह एस वन माइनस एस टू अठारह से 18 गया और पांच से भाग दे दो भैया 25 बार तो 25 सेकेंड का समय लगना चाहिए क्या आपका आंसर डी आ रहा है आ रहा है तो ठोको लाइक नहीं आ रहा है तो भी बताओ ये देखो लकी ड्रॉ का क्या हुआ चार बार दिन भर में चिल्लाओ फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टपक ही जाता है क्या करें इन लोगों का ट्वेंटी फाइव आ रहा है समझ गए कभी इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे थे है ना एल वन एल टू दोनों की लंबाई दोनों की सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में चाल माइनस ऑपोजिट में हमेशा प्लस और घटाने के बाद गुणा कर दो इससे आसान प्रश्न हो नहीं सकता आज का अगला सवाल इसका आंसर आप बताओगे मैं नहीं करके बताऊंगा आप जल्दी से इसको करके बताओ क्या है ठीक है पटवारी का बेच लेना है आपको ऑनलाइन विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा है ना ठीक है दो मिनट का मौन रखा जाए हम्म देखो इस बार आप सबसे पहले पढ़िए कौन सी दिशा है ऑपोजिट विपरीत दिशा है ये देखो इंग्लिश में अपोजिट हिंदी में विपरीत और विपरीत का मैं आपको बता चुका हूं चाल तो हम लंबाई तो हमेशा जुड़ेगी लेकिन इस बार चाल भी जुड़ेगी बराबर में पार करने में लगने वाला समय तो बस वैल्यू पुटिंग का खेल था एल वन प्लस एल टू एक सौ साठ एक सौ चालीस को डायरेक्ट तीन सौ लिख दू किसी को बुरा लगे तो बता देना कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया एक सौ साठ एक सौ चालीस तीन सौ चल जाएगा नीचे आ जाओ एस वन प्लस एस टू दोनों को जोड़ो 77 और 67 सेवन और सिक्सटी सेवन चौदह और चौदह बदल लो आप पांच बटे बात ये हो गया आपका तीन अठारह से आठ बार कैंसिल होगा आठ पंजे चालीस जीरो से जीरो गया तीस का आधा पंद्रह पंद्रह का आधा साढ़े सात साढ़े सात सेकेंड का समय लगेगा बी आपका आंसर है सेवन एंड हाफ बताओ कोई दिक्कत ठीक है बड़ी आसान सी बात थी एल वन प्लस एल टू एस वन प्लस एस टू चाल का योग पांच बटे अठारह काटा पिटी आंसर साढ़े सात सेकेंड आइए आगे बढ़ते हैं इसको भी आप करके बता दो है ना दिशा देखो वैल्यू रखो और आंसर बताओ और अभी इसके एक दो क्वेश्चन के बाद जो सवाल आने वाले हैं ना मजा आ जाएगा आपको हम्म ठीक है ओके देखो 180, 120 इसको आप जोड़ोगे तो ये वापस से 300 ही आ रहा है है ना और कौन सी दिशा है भाई एक दूसरे की दिशाओं में समानांतर पटरियों पर अब देखो समानांतर पटरी पर एक दूसरे की दिशाओं में पैसठ और पचपन छ पांच ग्यारह बारह है ना एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर जाएंगी देखो समानांतर पटरियां पैरेलल है एक इधर से आ रही है से आ रही है मतलब विपरीत दिशा है क्या तो दोनों की चाल मैंने दोनों की लंबाई को जोड़ दिया अब दोनों की चाल जोड़ दें एक पचपन एक पैसठ पचपन पैंसठ एक सौ बीस हो जाएगा और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते तो पांच बटे अठारह ऐसे लिख दें पांच नीचे अठारह ऊपर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो जीरो से जीरो गया पांच से छह बार कैंसिल हो गया छह से दो बार कैंसिल हो गया दो से नौ बार कैंसिल हो गया नौ सेकेंड इसका आसान तरीके से आंसर आ जाएगा बता दो ओके okay है सिंपल बात है आसान बात है कोई तकलीफ नहीं है आगे बढ़ जाए चलिए इसको देखिए क्वेश्चन नंबर टेन ये बढ़िया सवाल है देखते हैं कौन इसका आंसर सबसे पहले सही देता है बताओ भाई कौन देगा सही आंसर ओके एक रेलगाड़ी की लंबाई दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई की पांच बटे चार है दोनों क्रमशः सत्ताईस और तिरसठ से समान दिशा में जा रही है एक दूसरे को दो मिनट में पार करती है अधिक लंबाई की रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी लंबी ट्रेन आपको बताना है इसमें से कौन सी होगी हम्म, तरीका मैं आपको बड़ा नॉर्मल सिंपल सा बता चुका हूं सिंपल तरीका लगाओगे मजे में रहोगे कुछ नहीं करना है एक ट्रेन की लंबाई दूसरी की पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई की पांच बटे चार है मैंने अनंत बार बताया है जो पहले वो ऊपर जो बाद में वो नीचे लेट से एक ट्रेन फाइव एक्स है तो दूसरी ट्रेन फोर एक्स है एक अनुपात बनेगा पांच और चार का एक को अगर पांच मानेंगे तो दूसरी चार हो जाएगी या एक को चार दूसरे को पांच है ना तो लंबाई आ गई अब आपको बोला है समान दिशा देखो इन्होंने पहले ही बोला है सेम डायरेक्शन समान दिशा और समान दिशा में क्या होता है माइनस होता है तो 63 में से 27 जाएगा तो 13 में से सात गया तो पहले छ आ गया और पांच में से दो गया तो तीन आ गया तो S1 वन माइनस एस करा मैंने तो वो मुझे मिला 36, और इसको पांच बटे अठारह से गुणा करेंगे और इन्होंने एक दूसरे को दो मिनट में पार करा चैप्टर का नियम है कि आपको हमेशा सेकंड में लेना पड़ता है तो दो मिनट का मतलब क्या होता है दो मिनट का मतलब होता है 120 सेकंड तो ये हो गया आपका पांच और चार नौ यहां पे आप भाग दोगे तो दस आ जाएगा अठारह से कैंसिल होगा दो बार दस और ये आ गया आपका एक सौ बीस क्लियर है बात अब यहां पर एक चीज और देखो तीन से कैंसिल कर दो तीन बार तीन से कैंसिल कर दो चालीस बार तो ये बेसिकली क्या आ रहा है ये आ रहा है आपका चार बटे तीन एक्स की वैल्यू क्या आ रही है चार बटे तीन है ना दस और चार चा, दस और चालीस चार सौ और ये तीन एक्स की वैल्यू है लेकिन आपसे बोला है अधिक लंबाई की ट्रेन जो है वो बताओ तो अधिक लंबाई तो फाइव एक्स मानी जाएगी यानी इसको आप क्या करोगे चार सौ बटे तीन को पांच से गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका दो हजार बटे तीन तीन इंटू छ अठारह फिर तीन इंटू छ अठारह फिर तीन इंटू छ अठारह ट्रिपल सिक्स टू बाई थ्री ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा सी वाला इसका बिल्कुल सही आंसर है बताओ ओके है कोई दिक्कत परेशानी किसी प्रकार की तकलीफ मजा आया सवाल में है ना एक की लंबाई को 5x मानेंगे एक को 4x सॉल्व करा x की वैल्यू ये तो आपसे 5x बोला है तो 5 और x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा है मैंने है ना तो ये आया 2000 बटे तीन तीन का भाग दोगे, छ जाएगा शेषफल बचेगा दो बटे तीन तो आंसर आएगा छ सौ छठ दो बटे तीन ट्रिपल सिक्स टू बाई थ्री सी वाला बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर जल्दी से दीजिए फाइव एक्स और फोर एक्स कहां से आयाल वन प्लस एल टू है एक की लंबाई अगर फोर एक्स है तो दूसरे की लंबाई फाइव एक्स तो यह आ गया एल वन प्लस एल टू फाइव एक्स प्लस फोर एक्स ऊपर लंबाई रखते हैं हम हमेशा हाँ पांच सौ चार सौ नहीं ले सकते गलत हो जाएगा उससे एज्यूम नहीं कर सकते आप ऐसे हम्म ओके दो समान लंबाई की रेलगाड़ियों की चाल 67.41 है विपरीत दिशाओं में चलते हुए डेढ़ मिनट प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई देखो इन्होंने बोला दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है है ना लेट से कि एक की लंबाई x है तो दूसरे की लंबाई भी x है ना और आपसे बोला है समांतर पटरी विपरीत दिशा ऑपोजिट डायरेक्शन में चाल जुड़ेगी एस वन प्लस एस टू तो ये हो गया आपका 67 सेवन प्लस फोर्टी है ना और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो पांच बटे अठारह और एक दूसरे को पार करा डेढ़ वन एंड हाफ एक मिनट प्लस आधा मिनट साठ प्लस तीस यानी नब्बे सेकेंड समझ में आया दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों की लंबाई को हम क्या मान लेंगे इक्वल एक्स ले लो विपरीत दिशा है चाल आपकी जुड़ेगी और कितने सेकंड में पार कराए नब्बे सेकंड में तो ये क्या बनेगा भैया टू एक्स इन सबको उधर ले चलते हैं तो ये जुड़ेगा आपका ये आएगा एक सौ आठ पांच बटे अठारह और इधर आ जाएगा आपका नब्बे बात समझ गए अठारह से कैंसिल हुआ पांच बार ठीक है दो से ये कैंसिल हो गया आपका फिफ्टी फोर बार यानी चौवन बार है ना और क्या बोला है आपको और कुछ नहीं बोला है ठीक है इससे आप सॉल्व करोगे तो आपको सीधा ट्रेन की लंबाई ही मिलेगी तो ये आ गया 54 और पांच इंटू पांच हो गया आपका 25 तो बस इसमें आपको 25 से गुणा करना है तो चार एकम एक चार फिर हो जाएगा मैं 25 का गुणा कर रहा हूं आप आपके हिसाब से करो फिर आ जाएगा आपका चार तिया बारह चार पंजे बीस और जीरो तेरह प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आएगी एक की लंबाई अगर तेरह है तो दूसरे की लंबाई भी तेरह आएगी क्या आपका आंसर ये आया ऑप्शन ए ओके भाई डन है क्लियर है देखो फिर से समझा रहा हूं दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों को मैंने एक्स एक्स ले लिया विपरीत दिशाएं तो चाल जुड़ गई किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में पांच बटे अठारह और डेढ़ मिनट वन एंड हाफ एक मिनट प्लस आधा मिनट एक मिनट के साठ सेकंड आधे मिनट के 30 90 सेकंड हो गए है ना इसको पूरे को उठा के उधर ले गए तो ये बन गया 108 518 90 हल किया x की वैल्यू आ गई मतलब हर ट्रेन की लंबाई कितनी है 1350 है 1350 है ये आपका आंसर है चलिए एक और सवाल देख लेते हैं बहुत ही मजेदार सवाल है गजब का सवाल है हाँ कल आपको बताया तो कल घातांक करनी पड़ेंगे सर्ड इंडाइसिस पड़ेंगे कल किसी संख्या में 25 का गुणा करना हो तो चार का भाग दे दो ठीक है शर्तें लागू ओके प्रताप जी बोल रहे हैं सर जल्दी जल्दी करवा दो नेट खत्म हो रहा है क्या करें प्रताप जी इससे और तेजी से कैसे करवाएं दो ट्रेनों की गति 45 और 42 है दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की दुगनी है पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है दोनों ट्रेनें एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती है प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए ठीक है अभी तो कई लोग को समझ ही नहीं पड़ रही होगी कि इसको शुरू कहां से करना है तो मैं आपकी मदद करूंगा देखो पहले बोला विपरीत दिशा दोनों ने विपरीत दिशा में एक दूसरे को पार करा है ना पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की दुगनी है तो अगर एक ट्रेन की लंबाई एक से तो दूसरे की लंबाई कितनी है टू एक्स है और क्योंकि विपरीत दिशा बोला है तो फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी टू हो जाएगा गुणा करोगे पांच बटे अठारह से और एक दूसरे को पार करा है इन्होंने कितनी देर में नीचे लिखा है एक दूसरे को बारह सेकेंड में पार किया है ना देखो अभी प्लेटफॉर्म को बीच में मत लाओ प्लेटफॉर्म को बाद में देखेंगे पहले अपन मेन बात चाल किलोमीटर प्रति घंटे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और कितना समय लगेगा तो 12 सेकंड लगेंगे अब देखो ये बनेगा आपका 3x एक्स बराबर ये हो गया आपका 87 सेवन इंटू पांच बटे अठारह और इन टू में आगे आपका बारह है ना और आगे बढ़ते हैं तीन से ये कैंसिल हो जाता है क्या तो तीन से ये कैंसिल हो जाएगा उन्तीस बार ट्वेंटी बार। दो बार तो कुल मिलाकर आपके पास एक्स की वैल्यू आ रही है दो सौ नब्बे बटे तीन पांच का दुगुना दस और दस का गुणा इसमें हुआ ये एक्स की वैल्यू आई है ना x की वैल्यू अगर ये है यानी एक ट्रेन की लंबाई ये है तो दूसरी इसकी डबल है अगर मैं इसको दुगना कर दूंगा तो मुझे दूसरी ट्रेन की लंबाई मिल जाएगी यानी 200 अगर मुझे 2x की वैल्यू चाहिए तो इसका डबल 290 का डबल 580 सो अस्सी बटे तीन ये टू की वैल्यू है नहीं आया समझ में x का मतलब एक ट्रेन की लंबाई दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई उससे दुगनी है तो अगर 290 में दो सौ बटे तीन का दुगना करोगे तो उन्तीस तो ये आ गई अब क्या बोल रहे हैं पहली ट्रेन ये अपनी फर्स्ट वाली ट्रेन है और ये अपनी सेकंड वाली ट्रेन है 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 ना ये फर्स्ट ट्रेन है, और ये आपकी सेकंड वाली ट्रेन है आपसे कहा है पहली ट्रेन को 45 सेकंड में पार करती है यानी ये वाली ट्रेन है ना तो अब इसके आगे क्वेश्चन चेंज है अभी तो हमने ये पता लगाया कि दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है है ना अब हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई पता लगाना है अद्भुत प्रश्न है देखना जरा ध्यान से एक ट्रेन की लंबाई है पांच सौ अस्सी बटे तीन प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें नहीं पता क्योंकि पहली ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को पार करा है तो पहली ट्रेन की चाल कितनी है पैंतालीस तो यहां पर ले लेंगे हम पैंतालीस इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पांच बटे अठारह में और कितने समय में पार करा है तो प्लेटफॉर्म को पार करा है 45 सेकंड में क्या आपको यहां तक बात समझ आ रही है है ना आगे हल करते हैं अब समझना इसको ऐसे ही रहने दो 580 सौ अस्सी बटे तीन प्लस पी बराबर डिपार्टमेंट उठ के उधर जाएगा तो 45 इन टू पांच बटे अठारह और इंटू में फिर से क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा है ना हल कर लेते हैं नौ से कैंसिल हुआ दो बार नौ से कैंसिल हुआ पांच बार इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या अच्छा यहां पर आप एक चीज ध्यान दो यहां ऑप्शन दशमलव में है तो एक काम करते हैं दशमलव में ले आते हैं तीन का भाग दीजिए तीन से भाग दिया एक बार बचा आपका दो और आठ फिर हो गया तीन इंटू नौ सत्ताईस है ना बचा एक और जीरो तीन तिया नौ फिर बचा आपके पास वापस से एक और जीरो तो ये आएगा आपका एक सौ तिरानवे दशमलव तीन प्लस प्लेटफॉर्म और इधर का कैलकुलेशन में आपको उधर कर देता हूं ये बेसिकली क्या है पैंतालीस गुणा पच्चीस बटे दो है देखो जानबूझ के इस क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है आखिरी में जाके ठीक है जानबूझ के यहां पे आपको क्वेश्चन को कैलकुलेटिव बनाया है है ना तो सुनिएगा मेरी बात 45 और 25 का गुणा करेंगे 25 पंजे 125 कैरी हो गया 12 25 इंटू चार सौ सौ में 12 जुड़ गया तो 112 और इसका कर देंगे आधा तो एक सौ का आधा करोगे तो दो से पांच बार भाग गया 2 पंजे 10। 2 12, दो पंजे दस दो इंटू छ बारह दो दुनिया चार और दो पंजे दस है ना अब समझना ट्रेन की लंबाई है एक सौ तिरानवे दशमलव तीन प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं पता और दोनों का योग है पांच सौ बासठ दशमलव पांच अब इसमें से घटा दो देखो पांच में से तीन गया दो बारह में से तीन गया नौ पांच में से नौ जाएगा नहीं तो ये कितना हो जाएगा आपका पंद्रह पंद्रह में से नौ गया तो कितना बचा छे और चार में से एक गया तीन थ्री सिक्स नाइन पॉइंट टू ये आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई है यानी कौन सा वाला आंसर है भैया पहला वाला आंसर है यह है पूरा खेल एक बार मुझे लगता है फिर से बताने की जरूरत है बताइए क्लियर है हां एक बार मैं पूरा फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रश्न में दम है मजा आपको जरूर आया होगा सुनो एक की लंबाई दूसरे से दुगनी है एक को एक्स मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी टू एक्स दोनों विपरीत दिशा में है हल किया एक्स एक की लंबाई यह है तो दूसरी दुगनी है यह है अब पहली वाली ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई पहली वाली ट्रेन की चाल कितनी है तो उसकी चाल है 45 और पार भी कितने सेकंड में करा इतना पांच में तीन का भाग दिया एक सौ तिरानवे दशमलव तीन इस पूरे को उठाकर हजार एक सौ पच्चीस बटे दो उसमें भाग दिया तो 562, आया पांच में से इसको घटाया तो फाइनली प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई इतनी आ गई ये आपके प्रश्न का आंसर है उम्मीद है आपने अपने घर के खिड़की और दरवाजे को खोल के रखा होगा ताकि जो अतिरिक्त धुआं है वो निकल गया होगा बताओ मजा आया हम्म। ये हमारे मैथ्स फाउंडेशन बैच का क्वेश्चन था है ना? हमें लगा कि एक आध क्वेश्चन आपको जरा दिखाते हैं कि मैथ्स फाउंडेशन कैसा होता है तो ऐसा होता है मैथ्स फाउंडेशन ठीक है शॉर्ट में ही है ये, ठीक है इतना आपको करना ही पड़ेगा क्वेश्चन दिया ही है ऐसा कि आपको जान के कैलकुलेशन करना पड़े तो करना तो पड़ेगा आपको इतना हम्म ठीक है धमाकेदार था मजा आया इसलिए बोल रहे हैं पढ़ लो अभी समय है जब वैकेंसी आएगी एग्जाम आएगा ना तो पता नहीं चलोगे कितने किलोमीटर दूर जाके गिरोगे है ना अभी सीखने का समय है तो मजाक में ले रहे हो जब परीक्षा आएगी ना और परीक्षा दोगे तो पता चलेगा कि पेपर में कैसे हवा निकलती और कैसे धुआं उठता है मेहनत करने का कुछ सीखने का कुछ कर गुजरने का समय अभी है वैकेंसी आने पर या परीक्षा के पंद्रह दिन बीस दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होगा है ना मतलब वो उन लोगों के लिए होता है जो बहुत पहले से पढ़ रहे हैं जो उस समय जागेंगे इतनी दूर जाके गिरेंगे कि भैया नाप नहीं पाओगे ढूंढने पर नहीं मिलेंगे वो लोग ठीक है चलो तो समय अपना लगभग हो चुका है तो आज की सभा को यहीं समाप्त की जाए ऐसा मैं समझ पा रहा हूं आप लोगों को देखकर चलो एक क्वेश्चन और जल्दी से करवा देता हूं उसके बाद आगे खत्म करेंगे एक प्लेटफॉर्म पर एक आदमी को एक ट्रेन ने तीन सेकंड में पार करा उसी प्लेटफॉर्म पे विपरीत दिशा से दूसरी ट्रेन आई उसको चार सेकेंड में दूसरी ट्रेन ने पार कर लिया है ना सुन लो ध्यान से ऐसे सवालों में क्या करते हैं अब यहां पर क्या है लंबाई एक ट्रेन इधर से आई देखो आदमी तो बढ़िया खड़ा है कोई काम धंधा है नहीं बढ़िया मुस्कुरा रहा है और प्लेटफॉर्म पे ये भैया खड़े हुए हैं है ना इधर से एक ट्रेन ने इनको पार करा तीन सेकंड में उतनी ही लंबाई की इधर से एक ट्रेन आई उसको पार कर दिया चार सेकंड में ये खड़े इनको कोई मतलब ही नहीं है है ना तो आपने प्रश्न पढ़ के ये समझा कि दोनों ट्रेन की लंबाई कैसी है बराबर है लेंथ इक्वल है, है ना तो ऐसे केस में कोई लंबाई माननी पड़ती है तो चार और तीन का एलसीएम लीजिए लेट से दोनों ट्रेन की लंबाई बारह मीटर है आपको ऐसे क्वेश्चन में लंबाई मानना पड़ता है अपने मन से कुछ भी मान लेना है ना तो हमने 12 मीटर मान लिया 24 ले लो जो मर्जी आए वो ले लो है ना अगर 12 मीटर लंबी ट्रेन ने इस आदमी को पार करा मतलब को चार सेकेंड में पार करा मतलब दूसरे वाली ट्रेन की जो चाल है वो तीन मीटर प्रति सेकंड है और अगर अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करें तो विपरीत दिशा विपरीत दिशा में दोनों ट्रेन की लंबाई लेंगे और दोनों ट्रेन की चाल को जोड़ देंगे है ना सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड तो यह आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन निकल जाएगा तो बचेगा थ्री बाय सेवन ये आपके प्रश्न का आंसर होना चाहिए थ्री थ्री बाय सेवन सेकेंड्स ऑप्शन बी एक बार फिर से समझा रहा हूं ध्यान से सुनते हुए जाना क्या करते हैं जितने सेकेंड दिए हैं उसका एलसीएम ले लो या आपकी जो मर्जी आए वो संख्या मान लो बस उसमें तीन और चार का भाग जाना चाहिए है ना तो माना हमने कि ट्रेन की लंबाई 12 मीटर है 12 मीटर ट्रेन ने पहले आदमी को तीन सेकेंड में पार करा तो उसकी चाल चार और दूसरी ट्रेन ने उतनी ही लंबाई की ट्रेन ने दूसरे आदमी को पार करा चार सेकेंड में तो उसकी लंबाई तीन सॉरी चाल तीन अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा से आ जाए तो क्या होगा तो आप दोनों की लंबाई को जोड़ोगे दोनों की चाल को जोड़ोगे 24 बटे सात तीन तीन बटे सात सेकंड में ट्रेन पार हो जाएगी अगर आपने 12 की जगह 24, 24 ले लिया 48, 48 ले लिया 120, 120 ले लिया कोई भी संख्या लोगे आंसर अलग और नया आएगा ही नहीं कट पिट के घूम फिर के आंसर आपका यही वाला आना है ओके है चलिए इसके अलावा आज की आपको अभी जब मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको ये एक ये सवाल और एक ये सवाल ये दो सवाल आपको होमवर्क में मिलेंगे इनको आप लोग करिएगा आराम से आपसे चीजें बन जाएंगी पीडीएफ में अब भी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे जाओ द विनर्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो और पीडीएफ डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है उसकी है ना और कल रात साढ़े आठ बजे आपकी हमारी मुलाकात होगी घातांक और करनी सर्ड इंडाइसिस चैप्टर में पढ़ाऊंगा और ये बहुत सारे लोगों की वीकनेस है तो जिनको इसमें कोई समझ सुध नहीं बैठती है तो वो याद से इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना आता है तो फिर तो भैया कुछ किया ही नहीं जा सकता नहीं आता है तो कल हम इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं है ना बाकी अगर मैथ्स की बुक लेना है तो आखिरी ऑफर है बहुत कम प्राइस में आप बुक ले सकते हो फ्लिपकार्ट अमेजोन से और संडे ऑफलाइन क्लास जो मैं लेता हूं स्पेशल उसका सीधा प्रसारण रहेगा यूट्यूब पर प्रॉफिट एंड लॉस अगर सीखना है तो आप रविवार सुबह नौ बजे आ सकते हो है ना और कल से एस का ऑफलाइन बैच चालू हो रहा है व्यापम का भी चालू हुआ ही है बैंक का भी चल रहा है एमपीपीएससी के सबके ऑफलाइन बैच है सबके ऑनलाइन बैचेस भी हैं जो बहुत कम फीस में आप विनर्स की ऐप से पढ़ सकते हो और संडे को रात आठ बजे दस जुलाई को लकी ड्रॉ लकी विनर्स का चयन किया जाएगा जिसमें किसी को मोबाइल मिलेगा तो किसी को बुक किसी को कोर्स किसी को कुछ गिफ्ट बहुत सारे गिफ्ट हैं तो संडे गिफ्ट बांटने का दिन है जरूर पधारिएगा है, है ना बाकी विनर्स की रखिए सारी सुख सुविधाओं के साथ घर बैठे शानदार तैयारी करिए विनर्स के सभी के सभी चैनल्स साथ जुड़ जाइए ये ये वो चैनल चैनल है है इस समय आप जुड़े हैं मेरी एक स्पेशल पांच यानी लगभग साढ़े पांच लाख सब्सक्राइबर हैं ये अलग चैनल है एक मोटिवेशनल चैनल है बैंकिंग के अलग चैनल है और एमपीपीएससी के चैनल अलग है तो इन सभी को सब्सक्राइब करके रखो सब पे कुछ ना कुछ अलग अलग कॉन्टेंट मिलता है आपके काम का और अगर आपने मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है आदित्य पटेल विनर्स के नाम से मिलूंगा जाओ जल्दी से जुड़ जाओ और आज मैंने अभी शाम को थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट का वीडियो शेयर किया है वो आप लोग याद से देख लेना मजा आएगा उत्तराखंड का हमारा एक बच्चा है विद्यार्थी है बैंकिंग बैच का उसने एक बहुत शानदार वीडियो भेजा है उसको आप वहीं पे देखो तो आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा मजा आ जाएगा उसको सुनकर बाकी आप वहीं देखोगे तो पता चलेगा ठीक है जी उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा है जाते जाते लाइक करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा बाकी इसके आगे मुलाकात होती है अपनी कल करनी चैप्टर के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम खुश रहिए मुस्कुराते रहिए मेहनत करते रहिए और अपना अपने परिवार का नाम रोशन करिए बस यही मनोकामना के साथ हर दिन हर समय हर जगह चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या यूट्यूब हो आपका साथ देने के लिए हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं थैंक यू गुड नाइट